चीन ने डोकलाम विवाद के दोबारा शुरू होते ही अपने हथियारों की खेप जमाना शुरू कर दिया है। चीन ने भारत के साथ विवाद के चलते अपने हल्के युद्ध टैंक का प्रदर्शन किया। चीन ने पहली बार सेना ने एक सैन्य प्रदर्शनी में टैंक की तस्वीर प्रदर्शित की। चीन के सबसे बड़े निर्माता चीन नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किए गए इस हल्के टैंक का वजन 25 से 35 मीट्रिक टन है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी स्पीड के साथ चल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस मुख्य हथियार 105 मिलीमीटर की बंदूक है, जो गोला और मिसाइलों को दागने में सक्षम है। विशेषज्ञों का कहना है कि टैंक का मुख्य कार्य बहुत कम तापमान पर पठारों पर लड़ना है। चीन के एक सरकारी दैनिक ने बताया कि तुलनात्मक रूप से यूएस M1 अब्राम्स और चीन के टाइप 99A जैसे एक मुख्य युद्धक टैंक का वजन 65 टन तक है। वहीं इस टैंक पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस टैंक में 75 बैरल और 968 टैंक की तुलना में बेहतर रक्षा है। इसके साथ ही भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले T-90 युद्धक टैंक से बेहतर होने का दावा किया जा रहा है। पीएलए अकादमी ऑफ मिलिट्री साइंस के एक उपकरण शोधकर्ता डू वेन लॉन्ग ने कहा कि ये टैंक चीन के दक्षिणी क्षेत्रों और पठारों पर संचालित करने के लिए बनाया गया, जिसका सीधा अर्थ तिब्बत के साथ भारतीय सीमा से जुड़ना है। उन्होंने कहा कि पठारों पर ऑक्सीजन की कमी का अर्थ है कि इसका इंजन बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, सीमित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ अच्छा काम कर सकता है। इसी तरह इसकी शक्ति, फायर कंट्रोल और गोला बारूद प्रणाली विशेष रूप से उच्च ऊंचाई के लिए तैयार की गई है। टीम इंडिलिंक्स।